देश भर के सभी महानगरों में छत पर बागवानी एक तेजी से बढ़ती अवधारणा है। इसमें हम सब्जियां और फल उगाते हैं या सजावटी उद्देश्यों के लिए वह पौधे लगाते हैं जो आकर्षक दिखते हैं और जिनमें फूल उगते हैं। ये है मिसेज इति सिंह। ये एक आईटी प्रोफेशनल है। ये काम की वजह से बहुत व्यस्त है। जब मैंने इनसे अपनी छत के बागीचे के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया, मन की शांति व सोच स्वस्थ रखने के लिए फॉर ए चेंज ये एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। शौकिया तौर पर हम अपने घरों में रोजाना कूड़े कबाड़ डब्बों को फेंक देते हैं। हम इसमें पौधे लगा इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें मन पसंद सब्जियां भी उगा लेते हैं। घर में साग सब्जियों व अंडों के छिकल व अन्य वेस्ट को कंपोस्ट खाद में तब्दील कर लेते हैं। हम इसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते। आपने तो छत पर टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, भिंडी, धनिया, प्याज, तरबूज, ककड़ी व नींबू सब कुछ लगा रखा है। आपको तो सब्जियां बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन काफी राहत मिलती है। टमाटर 180 रुपए तक बिका, लेकिन हमें बाहर से नहीं लाना पड़ा। हमने उनसे इसमें आने वाली लागत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, शुरू में इसमें लागत आई लगभग 35,000 रुपए, लेकिन लंबे समय के लिए ये फायदे का शौक है। सबसे बड़ी बात, महानगरों में घनी आबादी व वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए छत पर बागवानी आज की जरूरत है। सोसाइटी में रोज कूड़ा उठाया जाता है, इसे रिसाइकल किया जाता है, इससे बिजली भी बनाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ सोसाइटी में कूड़े कचरे आदि की गहन समस्या नहीं है। मैंने उनसे छत पर बागवानी से होने वाले किसी नुकसान के बारे में पूछा। वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन छत में सीपेज की समस्या है। बरसात में ये समस्या और बढ़ जाती है, इसका निदान करना है। क्या पेड़ पौधों में किसी रोग की समस्या आती है? आती है, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा स्टडी करना है। किसी एक्सपर्ट से मिलने की कोशिश करूंगी। अभी तक आपने अपनी छत के बागीचे से क्या क्या खाया? हरी मिर्च रेगुलर मिलती रही है, कुछ तरबूज, ककड़ी, थोड़ा सा सेमी, गोभी, धनिया और खासकर टमाटर मुझे खरीदने नहीं पड़े। आने वाले समय में घरों के आंगन में या छत पर बागवानी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए तो रोजगार मुहैया कराने की दिशा में छत पर फलों, साग सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती की नई संभावना का क्षेत्र खुलेगा। इससे आर्थिक लाभ तथा पर्यावरण में सुधार होगा। आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधन खासकर भूमि एवं जल की उपलब्धता सीमित होगी। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग की पूर्ति करना भी आवश्यक होगा, इसलिए आधुनिक कृषि प्रणाली विकसित करना जरूरी है। इससे बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। भारत में कृषि की विकट समस्या से निपटने के लिए कृषि को अब उद्योग के रूप में अपनाना होगा। बड़े शहरों के आसपास खेती की जमीन कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है। आने वाले समय में इससे शहरी क्षेत्र के पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या और बढ़ेगी। परिणामत क्षेत्र में हरियाली की कमी से तापमान में वृद्धि होगी। अतः किचन गार्डन या छत पर बागवानी आज के वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता है। लोग समझ रहे हैं, इसीलिए आजकल शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी का क्रेज बढ़ रहा है। छत पर खेती करना सामान्य खेती करने से अलग है। छत पर गीली मिट्टी बिछाकर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी रिसाव से छत एवं मकान को क्षति पहुंचती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे सीपेज रोधी केमिकल की कोटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीथीन शीट बिछाकर क्यारी का निर्माण किया जा सकता है। आने वाले समय में घरों की छत बागवानी के अनुसार डिजाइनर छत के रूप में बनाई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।